2024 का साल बीजेपी के लिए हरियाणा में नया इतिहास रचने का गोल्डन चांस लेकर आ रहा है। 2024 के साल में बीजेपी हरियाणा में जहां दूसरी बार लगातार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भरपूर ताकत लगाने का काम करेगी, तो दूसरी तरफ हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने का भी कारनामा करने की कोई कोर कसर नहीं रखेगी। अगर बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट दोबारा जीत ली तो वो एक नया इतिहास होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने हरियाणा में लगातार दो बार 10 की 10 सीटें नहीं जीती हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार तीन बार सरकार नहीं बना पाई है। अगर बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली तो वो नया इतिहास होगा, वो नया कीर्तिमान होगा। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बीजेपी जहां संगठन को मजबूत कर रही है तो दूसरी तरफ सांसदों और विधायकों के टिकट काटने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का रोडमैप साफ है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जनसमर्थन देने के लिए बीजेपी हरियाणा में वोट मांगेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में आकर ये ऐलान कर चुके हैं कि 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का कारनामा कर दिखाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और बीजेपी 2024 की 10 की 10 सीटें जीतने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के 10 में से 7 सांसदों के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है। इसलिए अगर बीजेपी को 10 की 10 सीटें जीतनी है तो उसे वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर नए दमदार चेहरों को मौका देना होगा और इसके साथ साथ सामाजिक और जातीय समीकरणों को भी फिट करना होगा, तभी बीजेपी 2024 के चुनाव में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का कारनामा कर दिखाएगी। वैसे बीजेपी को पता है कि पीएम मोदी के नाम पर इसे वोट मिलने हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बीजेपी को रोहतक और अम्बाला सीटों पर सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रोहतक में जहाँ दीपेंद्र हुड्डा उसे ज़बरदस्त टक्कर देने का काम करेंगे, वहीं पर अम्बाला सीट पर भी कुमारी शैलजा उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी करने का काम करेंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी श्रुति चौधरी इस बार वापसी करती हुई नजर आ रही हैं। अगर बीजेपी ने वहां पर धर्मवीर को तीसरी बार टिकट देने का काम किया तो ऐसे में श्रुति चौधरी भी जीत का डंका बजा सकती हैं। लेकिन बीजेपी इन सारी की सारी चुनौतियों को बखूबी जानती है, इसलिए बीजेपी भी हर सीट को लेकर गहराई से वर्किंग कर रही है और ऐसे में जीतने वाले प्रत्याशियों को ही बीजेपी टिकट देने का काम करेगी। अगर बीजेपी ने जीतने वाले प्रत्याशियों पर दावा लगाने का काम किया तो बीजेपी लगातार दूसरी बार परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल कर सकती है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बनाने का मिशन शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने जहाँ संगठन के बदलाव की बड़ी तैयारी की है, वहीं विधायकों को लेकर भी उसने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। बीजेपी लगभग 28 से 30 वर्तमान विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देगी जिनका जनाधार कमजोर हो चुका है, जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी है और खास तौर पर मंत्रियों को लेकर बीजेपी सबसे खास सर्वे करा रही है, जिसमें नकारा साबित हो चुके मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। बीजेपी जानती है कि जहां उसे नाराजगी झेल रहे विधायकों को टिकट काटने पड़ेंगे, वहीं बाकी की 50 सीटों पर भी उसे जिताऊ चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो सबको माननी पड़ेगी, बीजेपी पूरे प्रोफेशनल तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी साथ साथ कर रही है। अभी बीजेपी को ये देखना है कि वो दोनों चुनाव को साथ में कराए या लोकसभा चुनाव के बाद में 6 महीने बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले। वैसे हरियाणा बीजेपी के अधिकांश नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव हों, ताकि मोदी के नाम पर निचले वोट भी मिल जाएं और मोदी की गारंटी ऊपर और नीचे का दोहरे इंजन का कम्बिनेशन बनाकर उसे तीसरी बार सत्ता की सरताज बनाने का बड़ा रोल अदा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही दोनों बार बीजेपी को हरियाणा में बड़ी सत्ता मिली है। मोदी के नाम पर ही हरियाणा में लगातार दो बार बीजेपी की सरकार बनी है। अब ऐसे में देखना है कि तीसरी बार के चुनावी महासंग्राम में क्या बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर नया इतिहास रचने का काम करेगी या कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके वापसी करने का काम करेगी। बीजेपी सारी सीटों को लेकर अपनी प्लानिंग को अमलीजामा पहना चुकी है और वो 2024 के चुनाव में
10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने और विधानसभा में बहुमत हासिल करके लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में सबसे आगे निकल चुकी है। बीजेपी में जहां मनोहरलाल खट्टर के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो वहीं पर संगठन में भी ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर बीजेपी ने नायब सैनी को नया अध्यक्ष बनाकर बीसी कार्ड खेल दिया है। लगभग 32% बीसी वोटरों को सबसे ज़्यादा लामंद करने के लिए ही बीजेपी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं और इसी 32% बीसी वोटर के बलबूते पर ही बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2024 में बीजेपी के 10 लोकसभा सीटों पर परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के सांसदों के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों की टिकट कटने की सूची को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के 2024 के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।